महामेट्रो के रीच टू में गड्डी गोदाम परिसर में गुरुद्वारे के समीप रेलवे ब्रिज पर 4 स्तरीय परिवहन प्रणाली का ब्रिज तैयार किया जा रहा है। रेलवे ट्रैक के ऊपर भारी भरकम ब्रिज के ढांचे का निर्माण करना बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य होने के बावजूद महामेट्रो ने गुरुवार की रात्रि में 800 टन वजनी ब्रिज के स्टील के ढांचे के निर्माण का कार्य सफलतापूर्वक करके एक नया इतिहास रचा है। महामेट्रो के प्रबंध निदेशक डॉ. ब्रिजेश दीक्षित के नेतृत्व में नागपुर में मेट्रो परिवहन का कार्य तेजी से साकार हो रहा है। भारतीय रेल लाइन पर 800 टन वजनी गर्डर की स्थापना कर महामेट्रो ने एक नया और अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। उल्लेखनीय है कि देश में पहली बार शहरी क्षेत्र में 1650 टन वजन क्षमता का ब्रिज निर्माण किया जा रहा है। महामेट्रो गड्डी गोदाम गुरुद्वारा में एक 4 स्तरीय परिवहन प्रणाली का निर्माण कर रहा है, जो तकनीकी रूप से बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण माना जाता है। स्थापित किए गए 800 टन वजनी स्टील गर्डर में 32,000 ASFG हाइट स्ट्रेन फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट का उपयोग किया गया है और पूरी संरचना के लिए 80,000 बोल्ट का उपयोग किया गया है। जमीन से स्टील गर्डर की वर्तमान ऊंचाई 32 मीटर है। रेलवे के इतिहास में पहली बार 22 मीटर चौड़ा स्टील गर्डर लगाया गया है और देश में पहली बार 4 स्तरीय परिवहन व्यवस्था स्थापित की जा रही है। महामेट्रो ने निर्माण प्रक्रिया के दौरान कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाए हैं और इन रिकॉर्ड्स को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। महामेट्रो ने भारतीय रेलवे से पूर्ण संचालन के लिए 24 घंटे का ब्लॉक मांगा है। पहले 8 घंटे का ब्लॉक चरणों में लिया और गर्डर लगाते समय 4.5 घंटे का ब्लॉक लिया गया। 1650 टन वजनी संरचना पहले शहरी क्षेत्र में स्थापित की गई है। वहीं संरचना को ऐतिहासिक पुरस्कार के लिए पंजीकृत किया जा रहा है। सफलतापूर्वक ब्रिज लॉन्चिंग के कार्य के लिए महामेट्रो के प्रबंध निदेशक डॉ. ब्रिजेश दीक्षित ने मेट्रो कर्मचारियों के साथ साथ अधिकारियों के कार्यों की भी सराहना की और स्थानीय नागरिकों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। स्टील गर्डर के सफल लॉन्चिंग के साथ ही रीच टू सीतावर्डी इंटरचेंज टू ऑटोमोटिव चौक मेट्रो स्टेशन का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और बाकी का काम जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा, यह विश्वास प्रबंध निदेशक डॉ. ब्रिजेश दीक्षित ने व्यक्त किया। वही राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा डबल डेकर पुल का निर्माण भी महामेट्रो को सौंपा गया है। देश में पहली बार एक बड़ी और भारी 4 स्तरीय परिवहन प्रणाली का निर्माण किया जा रहा है और यह निर्माण कार्य गड्डी गोदाम में RUB में किया जा रहा है, जो एक बहुत ही कठिन कार्य है। गड्डी गोदाम क्रॉसिंग की संरचना में 4 स्तरीय परिवहन प्रणाली है। पहले स्तर पर यातायात के लिए एक भूमि मार्ग मौजूदा RUB मार्ग होगा, दूसरे स्तर पर एक रेलवे ट्रैक होगा, तीसरे और चौथे स्तर पर एक फ्लाईओवर और एक मेट्रो लाइन होगी। महामेट्रो अपने अद्वितीय निर्माण कार्य के साथ शहर के विकास में योगदान दे रहा है। Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।